राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि हम मथुरा पहुंच चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको मथुरा का भ्रमण कराने वाले हैं और मथुरा में जो भी दार्शनिक स्थल हैं उनका दर्शन और भ्रमण आज की इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, बिना देरी किए हुए चलिए आपको लेकर चलते हैं मथुरा भ्रमण कराने। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम हैं मथुरा में और हमारा ये मथुरा में डे वन है और हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पे। तो अभी हम अंदर जाके मंदिर का दर्शन करने वाले हैं और उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और जैसा कि अभी आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक छोटे बच्चे ने हमारा श्रृंगार कर दिया है राधे राधे के नाम से। तो चलिए राधे राधे चलते हैं आगे। अगर आप टू व्हीलर से आते हैं तो यहाँ पे टू व्हीलर पार्किंग की भी व्यवस्था है, और अगर कार से आते हैं तो कार पार्किंग की भी बाहर में व्यवस्था है। देखते हैं, वहाँ भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इधर में आप देख सकते हैं, ये कार पार्किंग वाला एरिया है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि स्थल पर। तो मंदिर के बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। तो अभी चलते हैं हम लोग गेट के पास, कुछ इस प्रकार से नज़ारा है बाहर का। यहाँ पे पूरा मार्केट सजी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि स्थल पे और ये है गेट नंबर वन। तो इसके अंदर हम जाने वाले हैं और अंदर जाके हम दर्शन करके आने वाले हैं और उसके बाद आप सबको बताएंगे, क्योंकि अंदर मोबाइल फ़ोन्स या गैजेट्स वगैरह लेकर जाना अलाउ नहीं है। तो अंदर हम लेकर मोबाइल फ़ोन नहीं जा सकते, तो हम अंदर से आते हैं उसके बाद फिर आपको बताते हैं सारी चीज़ें। तो दोस्तों अंदर में मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर जाना मना है। तो ये सब यहाँ पर जमा हो रहा है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर जमा कर देते हैं। तो दोस्तों ये है भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का मेन गेट, जहाँ से सभी लोग इंटर हो रहे हैं। ये गेट नंबर वन है और भी बहुत सारे गेट हैं यहाँ पे। और इधर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह सारे जमा किए जाते हैं पहले। तो हमारा मोबाइल फ़ोन्स एयरफोन्स वगैरह सारा यहाँ पे जमा हो गया था। उसके बाद हम जब बाहर आए हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मिल गई है। और उसके बाद यहाँ से आप अंदर हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद आपको बहुत सारे मंदिर घूमने का मौका मिलता है और भगवान श्री कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ था कारागार, वहाँ पे भी जाने का मौका मिलता है। बहुत ही आनंदमय जगह है और बहुत ही स्वच्छ वातावरण है यहाँ का। यहाँ आने के बाद आपको अलग टाइप की ही एनर्जी फील होगी, जैसा कि हमें अभी फील हो रहा है। बाकी ये मेन मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ बनी हुई है, जहाँ पे लोग दर्शन करते हैं और कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे बैठ के बिताते हैं, जैसा कि जूम करके मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो आप आइए कभी बिल्कुल यहाँ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि पे और भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि को देखिए और यहाँ का आनंद उठाइए। बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज संडे का दिन भी है और यहाँ पे राधे राधे वाले सभी लोग लगवा रहे हैं टीके। तो कुछ इस प्रकार से नज़ारा है यहाँ का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये कोई स्कूल के ग्रुप आए हुए हैं जो एक साथ में फोटोशूट हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इधर में भी गेट बना हुआ है, इधर से भी लोग आते हैं और इंटर होते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से नज़ारा रहा भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि स्थल का। तो आप सबों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अंदर में कोई भी मोबाइल फ़ोन कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर जाना
मना है, तो अंदर की वीडियोस हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हम अंदर मोबाइल फ़ोन या गैजेट्स लेकर नहीं गए थे। बाकी दोस्तों यहाँ का जो रियल अनुभव है वो आपको कोई वीडियो या फोटो के माध्यम से नहीं मिल सकता, वो आप खुद यहाँ पे आएंगे और खुद अपनी आँखों से देखेंगे और उन सारी चीज़ों को एहसास करेंगे। वो फीलिंग्स बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल वाली होती है, बहुत ही अलग होती है। तो आप जब कभी भी मथुरा आए तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि स्थल को घूमने जरूर आए, क्योंकि यहाँ का रियल एहसास जब आप यहाँ पर आएंगे तभी आपको मिल पाएगा। बाकी दोस्तों जब आप गेट से इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको एक गुफा देखने को मिलेगी लेफ्ट साइड में। तो गुफा में घूमने का प्राइस 10 रुपये पर व्यक्ति है, तो टिकट काउंटर से सबसे पहले 10 रुपये पर व्यक्ति का टिकट लेंगे और गुफा के अंदर जाएंगे। और गुफा के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन छोटे छोटे मंदिर के जरिए किया गया है। तो आप जब अंदर जाएंगे तो वहाँ का एहसास बिल्कुल ही अलग होता है, आपको भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएँ देखने को, जानने को, सीखने को मिलेगी। उसके बाद और भी बहुत सारे मंदिर है, वहाँ भ्रमण कीजिए और कारागाह में ज़रूर जाइए आप, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वहाँ का अनुभव बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल वाला रहता है, वहाँ आप जाएंगे ही तो जाने से ही एक अलग अनुभूति मिलने लगती है। तो आप जब यहाँ पे अंदर मंदिर के अंदर घूमने जाएँ तो वहाँ पे कारागाह में बिल्कुल जाएं और वहाँ से भ्रमण करते हुए बाकी ये बड़ा जो मंदिर आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे भ्रमण करें और घूमते हुए फिर आप बाहर आ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ का विवरण रहा। तो आप जब कभी भी मथुरा आएँ तो एक बार भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि स्थल पर आकर मंदिर के अंदर भ्रमण जरूर करें। तो दोस्तों चलिए अब इस सफ़र में हम आपको आगे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल का भ्रमण कराया, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और अब हम आपको लेकर जा रहे हैं गोकुल, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ था। तो ये है यमुना नदी। तो इसी यमुना नदी से होते हुए भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव महाराज जी उन्हें मथुरा से गोकुल पहुंचाए थे, जिसमें यमुना नदी उफान पर होने लगी थी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छूने के लिए। तो ये वही यमुना नदी है। तो दोस्तों अब हम यमुना नदी को पार करके जा रहे हैं गोकुल। तो आगे के वीडियो में आपको गोकुल के सारे मंदिरों का दर्शन और भ्रमण देखने को मिलने वाला है। तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियोस में भी बनाए रखिएगा। बाकी चैनल के प्रति भी अपना प्यार और सपोर्ट आप सभी बनाए रखिएगा। मिलते हैं आप सबों से गोकुल में एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। राधे राधे।